अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.4 मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ की। इस एक्सरसाइज के हमने 8 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी क्वेश्चन नंबर 8 ही की तरह का है। क्वेश्चन है 2x प्लस 1 होल का स्क्वायर डी 2y ओवर dx स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2x प्लस 1 dy ओवर dx प्लस 16y विच इज इक्वल टू 8 इंटू 2x प्लस 1 होल का स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कन्वर्ट करते हैं कैपिटल डी में, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2x प्लस 1 कैपिटल डी प्लस 16 इंटू वाई हमने कॉमन ले लिया विच इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 8 इंटू 2x प्लस 1 होल का स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, तो हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं 2x प्लस 1 होल का स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर की, 2x प्लस 1 इंटू डी की। पुटिंग 2x प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू e की पावर t, तो नेचुरल लॉग लेते हैं, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग इंटू 2x प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग e की पावर t, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा t नेचुरल लॉग e आ जाएगा, और नेचुरल लॉग e 1 के इक्वल होता है, 1 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास t ही आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास t इज इक्वल टू नेचुरल लॉग इंटू 2x प्लस 1 आ गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ से आपके पास आ जाएगा डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x। अब हमारे पास ये सारे के सारा x है, 1 ओवर 2x प्लस 1 आ गया, फिर हम x का डेरिवेटिव लेते हैं, x यहाँ पर आपके पास क्या 2x प्लस 1, तो 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, 1 का 0 आ जाएगा 2 प्लस 0, तो आपके पास 2 आ गया, यहाँ से आपके पास आ गया 2 ओवर 2x प्लस 1 आ गया, तो डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 ओवर 2x प्लस 1 आ गई है, लेकिन हमें तो चाहिए डी वाई ओवर डी एक्स और डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं चेन रूल, यूजिंग चेन रूल डी वाई ओवर डी एक्स के लिए हम चेन रूल लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी मल्टीप्लाई बाय डी टी ओवर डी एक्स, तो डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू है हमारे पास 2 ओवर 2x प्लस 1 आ जाएगा, साथ में आपके पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी टी, 2x प्लस 1 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू 2 डी वाई ओवर डी टी आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू कैपिटल डी हमारे पास होता है डी ओवर डी एक्स के इक्वल, और डेल्टा इज इक्वल टू होता है हमारे पास डी ओवर डी टी के इक्वल। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 1 इंटू डी वाई विच इज़ इक्वल टू 2 डेल्टा वाई, वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 1 इंटू कैपिटल डी विच इज़ इक्वल टू 2 डेल्टा। अब हमारे पास वैल्यू आ गई है 2x प्लस 1 इंटू कैपिटल डी की, वो किसके इक्वल आई है 2 डेल्टा की इक्वल आई है। अब वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की, यानी कि 2x प्लस 1 होल का स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर की। एज हमारे पास फंक्शन है डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू 2 ओवर 2x प्लस 1 डी वाई ओवर डी टी, इस फंक्शन को हम यूज़ करने लगे हैं। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो तभी बनेगा हमारे पास डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पर दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ 2 ओवर 2x प्लस 1 एज इट इज़, डेरिवेटिव लेंगे हम डी वाई ओवर डी टी का, प्लस जिसका डेरिवेटिव ले लिया वो फंक्शन एज इट इज़, अब हम डेरिवेटिव लेंगे 2 ओवर 2x प्लस 1 का, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2 ओवर 2x प्लस 1। अब इसके लिए हम यूज़ करते हैं चेन रूल, तो लिख सकते हैं हम डी ओवर डी टी इंटू डी वाई ओवर डी टी डॉट डी टी ओवर डी एक्स, ये इसलिए हम करते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर डेल्टा बनाना होता है, तो प्लस आ गया आपके पास डी वाई ओवर डी टी आ गया। अब 2 ओवर 2x प्लस 1 इसका लेना हमने डेरिवेटिव, तो इसको लिख सकते हैं ना 2 इंटू 2x प्लस 1 होल की पावर माइनस 1। अब इस पर लगाते हैं हम पावर रूल, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से हम एक कम करेंगे 2x प्लस 1 इसकी पावर में से कम किया तो माइनस का 2 आ गया, फिर पावर को छोड़कर, पावर क्या है माइनस 1, उसको छोड़कर फंक्शन का लेते हैं डेरिवेटिव, तो 2x का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 1 का 0 आ जाएगा 2 प्लस 0 आपके पास 2 आ गया,
टू को टू से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आ गया, फोर आ गया, तो माइनस फोर ओवर ये माइनस का नीचे आकर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, टू एक्स प्लस वन इसका स्केयर आ गया। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्केयर विच इज इक्वल टू टू ओवर टू एक्स प्लस वन, ये बन गया आपके पास डी टू वाई ओवर डी टी स्केयर डॉट डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू है हमारे पास टू ओवर टू एक्स प्लस वन, टू ओवर टू एक्स प्लस वन, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा फोर ओवर टू एक्स प्लस वन इसका स्केयर आ गया और साथ में डी वाई ओवर डी टी आ गया। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्केयर विच इज़ इक्वल टू टू को टू से मल्टीप्लाई किया तो फोर आ जाएगा, टू एक्स प्लस वन को टू एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई किया तो टू एक्स प्लस वन का स्केयर आ जाएगा, फोर ओवर टू एक्स प्लस वन इसका स्केयर, डी टू वाई ओवर डी टी स्केयर माइनस फोर ओवर टू एक्स प्लस वन होल का स्केयर डी वाई ओवर डी टी आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है फोर ओवर टू एक्स प्लस वन का स्केयर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्केयर विच इज़ इक्वल टू फोर ओवर टू एक्स प्लस वन इसका स्केयर कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास डी स्केयर वाई ओवर डी टी स्केयर माइनस डी वाई ओवर डी टी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है टू एक्स प्लस वन का स्केयर डिवाइड हो रही थी अगर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई टू एक्स प्लस वन इसका स्केयर इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्केयर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू फोर इंटू डी टू वाई ओवर डी टी स्केयर माइनस डी वाई ओवर डी टी। हमारे पास डी होता है डी ओवर डी एक्स की इक्वल तो डी स्केयर हमारे पास आ जाएगा डी स्केयर ओवर डी एक्स स्केयर की इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से डेल्टा स्केयर आपके पास आ जाएगा डी स्केयर ओवर डी टी स्केयर की इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा टू एक्स प्लस वन होल का स्केयर और डी स्केयर वाई विच इज़ इक्वल टू फोर इन टू ये बन गया आपके पास डेल्टा स्केयर वाई और माइनस का डेल्टा वाई। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा टू एक्स प्लस वन होल का स्केयर डी स्केयर वाई विच इज़ इक्वल टू फोर इन टू डेल्टा स्केयर माइनस डेल्टा, यहाँ से वाई कॉमन ले लेते हैं वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपके पास आ जाएगा टू एक्स प्लस वन इसका स्केयर डी स्केयर विच इज़ इक्वल टू फोर इंटू डेल्टा स्केयर माइनस डेल्टा, ये वैल्यू आपके पास आ गई है टू एक्स प्लस वन का स्केयर इंटू डी स्केयर। अब इन वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर वन का। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर वन वी गेट, तो 2x प्लस वन का स्केयर डी स्केयर इसकी वैल्यू आई हमारे पास 4 इंटू डेल्टा स्केयर माइनस का डेल्टा माइनस 6 एज इट इज़, 2x प्लस वन इंटू डी की वैल्यू हमारे पास आई है 2 डेल्टा, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 डेल्टा प्लस का 16 इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू 8 टू एक्स प्लस वन होल का स्केयर, ये किसकी इक्वल है हमारे पास टी की इक्वल आती है जाएगा हमारे पास ई की पावर 2 टी आ जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं आ जाएगा आपके पास 4 डेल्टा स्केयर माइनस का 4 डेल्टा माइनस का 12 डेल्टा प्लस का 16 इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू 8 ई की पावर 2 टी आ जाएगा। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4 डेल्टा स्केयर माइनस माइनस का 4 माइनस का 12 माइनस का 16 डेल्टा आ जाएगा प्लस का 16 इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू 8 ई की पावर 2 टी आ गया हमारे पास। अब यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं इसका वाई सी सोल्यूशन और वाई पी सोल्यूशन। फॉर वाई सी पुटिंग एफ ऑफ डेल्टा इंटू वाई विच इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4 डेल्टा स्केयर माइनस 16 डेल्टा प्लस का 16 इंटू वाई विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम बनाते हैं इसकी करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, वाई के कोफिशियंट को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, द करैक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4 डेल्टा स्केयर माइनस का 16 डेल्टा प्लस का 16 विच इज इक्वल टू 0। आप डेल्टा की जगह यहाँ पर एम भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो डिवाइडेड बाय 4 कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 4 ही आ जाएगा आपके पास डेल्टा स्केयर माइनस का 4 डेल्टा प्लस का 4 विच इज इक्वल टू 0, तो ये बन गया हमारे पास a माइनस बी होल स्केयर आ गया विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 2, तो दोनों के दोनों रियल हैं और दोनों आपके पास क्या हैं रिपीटेड हैं। जब रिपीटेड आ जाए तो हम उसका वाई सी सोल्यूशन लिखते हैं, वाई सी विच इज़ इक्वल टू सी वन टी की पावर 0 प्लस सी टू टी की पावर 1 इन टू
ए की पावर एम टी, एम वो होता है जो रिपीट होकर आ रहा हो, रिपीट क्या आ रहा है टू, तो ये बन जाएगा आपके पास टू टी। यहाँ से आपके पास आ जाएगा वाई सी विच इज़ इक्वल टू टी की पावर जीरो, वन के इक्वल होता है। अब टी को कन्वर्ट कर देते हैं हम किस में, एक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन किस में है, एक्स में। अब यहाँ से आपके पास आ जाएगा सी वन प्लस सी टू, टी की वैल्यू हमारे पास है नेचुरल लॉग इंटू टू एक्स प्लस वन, नेचुरल लॉग इंटू टू एक्स प्लस वन इंटू e की पावर टू टी, ई की पावर टी किसकी इक्वल है हमारे पास टू एक्स प्लस वन के इक्वल है, तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा टू एक्स प्लस वन इसका स्केयर आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वाई सी विच इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन होल का स्केयर, इसको पहले लिख लो, बाकी सी वन प्लस सी टू नेचुरल लॉग इंटू टू एक्स प्लस वन इसको बाद में लिख लो। ये आपके पास क्या आ गया है, वाई सी सोल्यूशन आ गया हमारे पास। अब हम इसका फाइंड आउट करते हैं वाई पी सोल्यूशन। टू फाइंड वाई पी विच इज इक्वल टू वन ओवर एफ ऑफ डेल्टा इंटू एफ ऑफ टी, वैल्यू पुट करते हैं, एफ ऑफ टी है हमारे पास एट ई की पावर टू टी डिवाइडेड बाय आपके पास फोर डेल्टा स्क्वायर माइनस का 16 डेल्टा और प्लस आपके पास कितना है 16। अब आपके पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर 2t, t का कोफिशियंट आपके पास 2 है, उसको डेल्टा में पुट करते हैं, 2 का स्केयर कितना होता है आपके पास 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, डेल्टा की जगह 2 पुट किया 16 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 32 आ गया और प्लस का 16 एज इट इज, तो ये आपके पास किसकी इक्वल आ गया, 0 के। t का कोफिशियंट डेल्टा में पुट करने से आपका डिनोमिनेटर क्या बन गया, 0 बन गया। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, वाई पी विच इज इक्वल टू 8 ऊपर t से मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर 2t डिवाइडेड बाय और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा, ये आ जाएगा आपके पास 8 डेल्टा और माइनस का 16। अगेन हमारे पास क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, टी का कोफिशियन 2 है, इसको फिर डेल्टा में पुट करो, पुट किया तो आपका फिर 16 बन गया, 16 माइनस 16 आपके पास क्या आ गया, 0। फिर हम क्या करेंगे, टी से मल्टीप्लाई करेंगे, टी से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला टी एज इट इज़ ई की पावर 2t डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, इसका हम लेते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा, तो अभी आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 से 8 कैंसिल आउट, तो ये बन गया आपके पास टी स्केयर ई की पावर 2t। जितनी बार आपने कोफिशियंट को डेल्टा में पुट करना है अगर 0 बन जाए तो आपने टी से मल्टीप्लाई करते रहना है। अब यहाँ पर आपके पास डेल्टा ही खत्म हो गया था तो क्या कोफिशियंट पुट करना, तो टी में हमारे पास आंसर है, इसको हम लिखते हैं एक्स में वाई पी विच इज इक्वल टू, टी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, हमने सब चीज़ें की थी 2x प्लस 1 विच इज इक्वल टू e की पावर t, तो यहाँ से नेचुरल लॉग इंटू 2x प्लस 1 विच इज इक्वल टू t आया था, तो वैल्यू पुट करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास नेचुरल लॉग इंटू 2x प्लस 1 होल का स्केयर t की वैल्यू और e की पावर t, ये किसकी इक्वल है 2x प्लस 1, तो स्केयर लेंगे तो आपके पास बन जाएगा 2x प्लस 1 इसका स्केयर आ गया। लें ये आपके पास क्या आ गया, वाई पी सोल्यूशन। हमें चाहिए इसका जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन था हमारे पास y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी की फॉर्म में, वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 2x प्लस 1 होल का स्केयर इंटू सी वन प्लस सी टू नेचुरल लॉग इंटू 2x प्लस 1 आ जाएगा और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा प्लस वाई पी, वाई पी आया है आपके पास ये वाला फंक्शन 2x प्लस 1 होल का स्केयर नेचुरल लॉग इंटू 2x प्लस 1 होल का स्केयर, तो ये आपके पास क्या बन गया, दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास जनरल सॉल्यूशन बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, एक्स स्केयर वाई डबल डैश प्लस 2xy डैश माइनस 6y विच इज इक्वल टू 10x स्केयर, और इसमें साथ में उसने कंडीशन भी दी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास काशी वाली इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन वैसे निकालते हैं जैसे हमने 9 क्वेश्चन तक निकाला है, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्केयर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस 2x डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 6y विच इज इक्वल टू 10x स्केयर। तो अब इसको हम लिखते हैं कैपिटल डी की फॉर्म में, एक्स स्केयर डी स्केयर प्लस 2x डी माइनस 6y, यहाँ से हम ले लेते हैं कॉमन, विच इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 10x स्केयर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू e की पावर t, फिर हम लेते हैं नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग x विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग e की पावर t, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग x विच इज इक्वल टू t नेचुरल लॉग e, नेचुरल लॉग e 1 के इक्वल होता है, 1 को t से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास t ही आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है, एक्स डी किसके इक्वल होता है, हमारे पास डेल्टा के इक्वल होता है, और जो हमारे पास एक्स स्केयर डी स्केयर होता है वो होता है डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस 1 के इक्वल होता है।
अब वैल्यूज हमारे पास आ गई, इसको दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देते हैं। एक्स के डी स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस वन प्लस टू, एक्स डी की वैल्यू हमारे पास है डेल्टा माइनस सिक्स इंटू वाई विच इज इक्वल टू टेन। एक्स इज इक्वल टू ई की पावर टी, तो ये बन जाएगा हमारे पास ई की पावर टू टी जब हम स्क्वायर लेंगे। तो सिंप्लीफाई करते हैं, डेल्टा स्क्वायर माइनस का डेल्टा प्लस टू डेल्टा माइनस का सिक्स इंटू वाई विच इज इक्वल टू टेन ई की पावर टू टी, डेल्टा स्क्वायर प्लस का टू और माइनस का वन प्लस का डेल्टा माइनस सिक्स इंटू वाई विच इज इक्वल टू टेन ई की पावर टू टी आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसका फाइंड आउट करते हैं वाई सी सोल्यूशन एंड वाई पी सोल्यूशन। टू फाइंड वाई सी पुटिंग एफ ऑफ डेल्टा इंटू वाई विच इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा स्क्वेयर प्लस का डेल्टा माइनस सिक्स इंटू वाई विच इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से हम बनाते हैं इसकी करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। द करैक्टरिस्टिक इक्वेशन इज वाई के कोफिशियंट को जीरो के ऊपर पुट कर देते हैं, तो यह देखा आपके पास डेल्टा स्क्वेयर प्लस का डेल्टा माइनस का सिक्स विच इज इक्वल टू जीरो। ये सिंपली आपके पास क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। मल्टीप्लाई करें तो माइनस का सिक्स डेल्टा स्क्वेयर प्लस माइनस करें तो आपके पास कितना आ जाएगा, प्लस का डेल्टा, डेल्टा स्क्वेयर प्लस का थ्री डेल्टा माइनस का टू डेल्टा माइनस का सिक्स विच इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा कॉमन लिया तो आपके पास डेल्टा प्लस थ्री आ गया, माइनस टू इंटू डेल्टा प्लस थ्री विच इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से डेल्टा प्लस थ्री आ जाएगा इंटू डेल्टा माइनस टू आ जाएगा विच इज इक्वल टू जीरो। सो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस थ्री और टू आ गया हमारे पास। दोनों वैल्यूज आपके पास क्या है, रियल है, लेकिन हमारे पास क्या है, डिस्टिंक्ट है। तो हम इसका वाई सी सोल्यूशन लिखेंगे सी वन ई की पावर एम वन टी, एम वन मान लेते हम माइनस थ्री को, प्लस सी टू ई की पावर एम टू टी, एम टू मान लेते हम टू को। ये आपके पास क्या आ गया, वाई सी सोल्यूशन आ गया इन टर्म्स ऑफ टी। इसको कन्वर्ट करते हैं हम एक्स में, वाई सी विच इज इक्वल टू सी वन ई की पावर टी, किसकी इक्वल है हमारे पास, एक्स की इक्वल है, तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स की पावर माइनस थ्री प्लस सी टू ई की पावर टी, किसकी इक्वल है एक्स के, ये बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया। ये आपके पास क्या आ गया, वाई सी सोल्यूशन आ गया। अब हम फाइंड आउट करते हैं इसका वाई पी सोल्यूशन। टू फाइंड वाई पी विच इज इक्वल टू वन ओवर एफ ऑफ डेल्टा इंटू एफ ऑफ टी, वैल्यू पुट करते हैं हमारे पास क्या है, एफ ऑफ टी टेन ई की पावर टू टी डिवाइडेड बाय हमारे पास है डेल्टा स्क्वेयर प्लस का डेल्टा माइनस सिक्स वाई पी विच इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई की पावर टू टी, टी का कोएफिशिएंट कितना है टू, नीचे डेल्टा में पुट कर दो, टू का स्क्वेयर फोर प्लस, तो आपके पास टू आ गया माइनस सिक्स आ गया, यहाँ पर डेल्टा की जगह टू पुट गया तो टू ही आ गया। सिक्स माइनस सिक्स आपके पास कितना आ गया जीरो, कोफिशियंट पुट करने से आपके पास डिनोमिनेटर क्या बन गया जीरो, तो ऊपर टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे ले लेते हैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा, टू डेल्टा और प्लस का कितना आ गया वन। अगेन हम क्या करते हैं, टी के कोफिशियंट कितना है टू, डेल्टा में पुट करते हैं, टू टू सर फोर, फोर प्लस वन कितना था आपके पास फाइव, टेन टी ई की पावर टू टी डिवाइडेड बाई आपके पास कितना आ गया फाइव, फाइव वन सर फाइव, फाइव टू सर टेन। तो वाई पी सोल्यूशन आपके पास आ गया है टू टी ई की पावर टू टी। तो अब हम क्या करते हैं, इसको एक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। टू टी किसके इक्वल आया था हमारे पास, नेचुरल लॉग एक्स के, नेचुरल लॉग एक्स आ गया, और ई की पावर टी किसकी इक्वल है एक्स के, तो यहाँ से बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब हम इसका लिखते हैं जनरल सोल्यूशन, वाई इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। तो वाई सी आपके पास आया था सी वन एक्स की पावर माइनस थ्री प्लस सी टू एक्स स्क्वायर और प्लस टू एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग एक्स आ गया वाई पी। ये आपके पास जनरल सोल्यूशन आ गया। अब इस पर हम अप्लाई करते हैं दी गई कंडीशन। नाउ अप्लाइंग गिवन कंडीशन, अब ये वैल्यू अप्लाई कैसे करनी है, ये जो आपके पास वाई ऑफ वन लिखा हुआ है ना, ये जो आपके पास वन है ये एक्स एक्स की वैल्यू है विच इज इक्वल टू वन, ये वाई की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू होती है और ये हमारे पास क्या होती है वाई की वैल्यू होती है। अब इस सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर वन पुट कर देते हैं, तो इज इक्वल टू भी वन है तो वाई की वैल्यू भी हमारे पास क्या है वन, वन इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस थ्री, नीचे अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो आपके पास वन ही आ जाएगा, ये बन गया सी वन प्लस सी टू, एक्स स्क्वायर है वन का स्क्वायर तो वन का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा वन ही आ जाएगा, प्लस टू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू हमारे पास वन है, वन का स्क्वायर वन आ गया, नेचुरल लॉग वन, नेचुरल लॉग वन जीरो के इक्वल होता है, जब वो टू से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा, तो आपके पास ये क्या रह गया सी वन प्लस सी टू इज इक्वल टू वन आ गया। इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर वन का।
अब दूसरी कंडीशन हमारे पास है वाई डैश ऑफ वन विच इज इक्वल टू माइनस सिक्स। इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास वाई डैश विच इज इक्वल टू सी वन। अब एक्स की पावर माइनस थ्री है तो इस पर लगा देते हैं हम पावर रूल, एक्स की पावर माइनस फोर आ जाएगा, प्लस इस पर भी हम क्या लगा देते हैं पावर रूल, ये बन जाएगा आपके पास टू सी टू और एक्स आ गया, प्लस अब टू कामन निकाल लेते हैं, एक्स के नेचुरल एक्स है, दो फंक्शन है, दोनों के दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला फंक्शन है एज इट इज नेचुरल एक्स का डेरिवेटिव वन ओवर एक्स आ गया, प्लस एक्स केयर का डेरिवेटिव टू एक्स आ गया और नेचुरल ऑफ एक्स एज इट इज। तो वाई डैश विच इज इक्वल टू माइनस थ्री सी वन एक्स की पावर माइनस फोर प्लस टू सी टू एक्स प्लस एक एक्स एक्स कैंसिल, टू से मल्टीप्लाई किया तो टू एक्स आ गया, प्लस टू टू ज़ार फोर, ये बन गया आपके पास फोर एक्स और नेचुरल ऑफ एक्स आ गया। अब वैल्यू अप्लाई करते हैं y डैश ऑफ वन, ये x की वैल्यू है और ये आपके पास क्या है y डैश की वैल्यू है, तो हमारे पास क्या आ गया y डैश माइनस सिक्स के इक्वल है विच इज़ इक्वल टू x की जगह वन पुट करते हैं, वन की पावर माइनस फोर, वन की पावर माइनस फोर, इसको लिख सकते हैं वन ओवर वन की पावर फोर, तो वन की पावर जितनी मर्जी हो वन ही रह जाएगा, वन को हो जाए मैं थ्री सी वन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस का थ्री सी वन ही आ गया, प्लस यहाँ पर वन पुट गया तो आपके पास कितना आ गया टू सी टू आ गया, और यहाँ पर वन पुट गया तो आपके पास कितना आ गया टू आ गया, नेचुरल ऑफ वन जीरो की इक्वल होता है, ये तो हमारे पास टर्म कैंसिल आउट होगी। अब ये प्लस का टू इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का सिक्स और माइनस का एट हो गया विच इज इक्वल टू माइनस थ्री वन प्लस टू सी टू आ गया, इसको नाम दे देते हम इक्वेशन नंबर टू का। अब हमने यहाँ से निकालना क्या है, हमने यहाँ से सी वन और सी टू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसको साइमेंटली सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर C1 का कोफिशेंट कितना है 1 है और यहाँ पर कितना है माइनस का 3, हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 में ऐड कर देते हैं 3 इंटू वन और प्लस 2, 3 से मल्टीप्लाई किया ये बन गया 3C1 प्लस 3C2 विच इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 1 3 और ये एज इट इज़ माइनस 3C1 प्लस 2C2 विच इज इक्वल टू माइनस का 8, तो यहाँ से आपके पास एक चीज़ कैंसिल आउट होगी 5C2 विच इज इक्वल टू माइनस का 5, तो C2 की वैल्यू आपके पास माइनस 1 आ जाएगी, 5 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल तो आपके पास कितना आ गया माइनस का 1। अब इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, पुट C2 इज इक्वल टू इन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं जहाँ से हम आसानी से दूसरी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें, 1 इज इक्वल टू C1, C2 की वैल्यू माइनस 1 है माइनस 1, तो इधर अगर प्लस का हो जाएगा तो आपके पास आ गया 1 प्लस 1 2 विच इज इक्वल टू C1 आ गया। ये दोनों की दोनों वैल्यूज हम क्या करते हैं इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम नंबर 1 का, पुटिंग वैल्यूज ऑफ C1 एंड C2 इन नंबर A वी गेट, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू C1 की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 2, ये बन गया आपके पास 2x की पावर माइनस 3 और C2 की वैल्यू आपके पास कितनी आई माइनस 1, माइनस एक्स केयर आ गया प्लस 2x केयर और साथ में क्या आ गया नेचुरल ऑफ x आ गया। ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर ए है ना ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर C1 C2 कांस्टेंट मौजूद है और कांस्टेंट के तहत अगर दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर के बराबर हो जाए तो हमारे पास क्या होता है जनरल सॉल्यूशन होता है, दो कांस्टेंट है तो ऑर्डर भी कितना है इसका 2 है, तो ये जनरल सॉल्यूशन था। अगर हम C1 और C2 को क्या करें कोई पार्टिकुलर वैल्यूज दे दें तो हमारे पास पार्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता है, ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन है, ये हमारे पास जो सॉल्यूशन आया है C1 और C2 की वैल्यू पुट करने के बाद इसको हम कहते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन।